तो यूनिवर्सिटी बनी है ये 1985 में। 1985 में एक यूनिवर्सिटी बनकर आई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोस्तों, जहाँ पे लोकेशन है मैदान गढ़ी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली अगर आप मैदान गढ़ी रोड पे कभी आप गए हैं, वहाँ बोर्ड भी लगे हुए हैं काफी बड़े बड़े इसके, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, द यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश इन 1985, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दोस्तों आज की वीडियो हम जिस टॉपिक पर लेकर आए हैं वो एक फॉरएवर टॉपिक है, मतलब कि हमेशा से ही, जब से हम बड़े हुए, मतलब जब से हमने अपना होश संभाला, हम नाम सुनते आए इग्नू का, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का। क्योंकि यूनिवर्सिटी हालांकि बनी 1985 में, क्योंकि ये ऐसा भी बोला जाता है कि पहली डिस्टेंस एजुकेशन देने वाली यूनिवर्सिटी बनी, हालांकि उससे पहले एक बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी बन गई थी 1982 में, बट इग्नू का नाम फिर भी सबसे ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में, अगर मैं बात करूं, सभी स्टूडेंट्स इसे जानते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स डिस्टेंस में एजुकेशन लेना चाहते थे या चाहते हैं, और जो भी आता है इंडिया, चाहे अब्रॉड का स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, जब आता है इंडिया में एजुकेशन लेने के लिए, तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के पास ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल हैं। और अपने जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो तो एनरोल लेते ही हैं, क्योंकि पहले यही एक लौती ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कि डिस्टेंस एजुकेशन लेने के लिए, जो भी कोई यूनिवर्सिटी डिस्टेंस कोर्सेज पर काम करना चाहती थी, उन्हें अप्रूवल देती थी, उन्हें एफिलिएशन देती थी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। बहुत कुछ बताऊंगा इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, ज्यादा कुछ जानने के लिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इग्नू के बारे में। दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, बहुत कुछ आप जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन पर किसी भी तरह की एडमिशन रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है, कुछ आप जानना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कोर्स के बारे में, कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन लेती है, या फिर किन कोर्सेज में ऑनलाइन एजुकेशन में एडमिशन देती है यूनिवर्सिटीज। बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है जिनके पास ऑनलाइन का अप्रूवल ही नहीं, बट फिर भी ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं। कोई भी एडमिशन से रिलेटेड आपकी क्वेरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आपका कोई भी किसी भी तरह का डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर आपके दिल में कोई सवाल है, आपको उसका जवाब हमारे इस चैनल पर आपको जरूर मिलेगा, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की हम अगर बात करें, तो यूनिवर्सिटी बनी है ये 1985 में। 1985 में एक यूनिवर्सिटी बनकर आई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोस्तों, जहां पे लोकेशन है मैदान गढ़ी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली अगर आप मैदान गढ़ी रोड पे कभी आप गए हैं, वहां बोर्ड भी लगे हुए काफी बड़े बड़े इसके, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, द यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश इन 1985, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और जब ये बनी तब इसका बजट था 20 मिलियन। 20 मिलियन में यूनिवर्सिटी उस वक्त ही बनी थी, हालांकि आज का तो बजट कई सौ करोड़ों में यूनिवर्सिटी का पहुंच जाता है, बट उस वक्त ये यूनिवर्सिटी 20 मिलियन में बन गई थी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट 1985, एक एक्ट पास किया 1985 में, और तब ये यूनिवर्सिटी बनकर खड़ी होगी सामने हमारे, यूनिवर्सिटी ये आ गई, जिसके अंदर टोटल एक्टिव एनरोल ऑफ लगभग 4 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स, 40 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स टोटल जो इसके अंदर अब तक हुए, द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड का इसको खिताब हासिल है। अब बात क्या है दोस्तों, डिस्टेंस एजुकेशन बहुत बड़े लेवल पे हमारे देश में काफ़ी सारे, मतलब कंट्री से स्टूडेंट्स आए, एडमिशन काफ़ी स्टूडेंट्स ने लिया, इवन इंडियन स्टूडेंट्स एडमिशन इग्नू में लिया करते थे। बहुत सारे कोर्सेज हैं, इवन उन स्टूडेंट्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल थे जिन्होंने सिर्फ 10th पास की थी या 10th भी नहीं की थी, पर वो ग्रेजुएशन कर सकते थे। एक ब्रिज टाइप का एक कोर्स एक बनाया गया था, जिस कोर्स को आज भी स्टूडेंट्स हालांकि करते हैं। यूनिवर्सिटी की हम बात करें, जैसे मैंने आपको ये बताया, लगभग इस यूनिवर्सिटी को आज की डेट में 37 साल से भी ज़्यादा लगभग यूनिवर्सिटी को हो चुके हैं, और नैक A++ मिला हुआ है इग्नू यूनिवर्सिटी को। नैक A++ ये मिलना बड़ी बात अपने आप में होती है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस के बहुत सारे कोर्सेज अब तक करवाया। इसकी एक स्लोगन लाइन है, इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी, मतलब कि लोगों की, आम आदमी की ये यूनिवर्सिटी है। आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लोकल मैंगो पीपल, आप समझ जाएंगे उस चीज़ को समझने के बाद में। अब यहाँ से बहुत स्टूडेंट्स ने कोर्स किए, बहुत स्टूडेंट्स की डिज़ायर रहा करती थी कि अगर डिस्टेंस में कोई कोर्स करना है तो यहीं से करना है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं लिया करते थे। हालांकि यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो आप कैसे चेक करेंगे, जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ के माध्यम से बोलता हूँ और आप पूछते भी हैं, और मुझसे ये सवाल पूछा भी था हमारे व्यूअर ने कि सर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो है, ये इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है,
तो हम इसको यूजीसी पर चेक कैसे करेंगे? पहले आप यूजीसी पर चेक कर लीजिए यूनिवर्सिटी को, क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज बनती है उन सभी को रेगुलेशन, एक ही बॉडी है जो रेगुलेट करती है सभी को, वो है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को जो रेगुलेट करता है वो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अब हम कैसे आप चेक करोगे इसको यूजीसी पर? सबसे पहले आप जाइए और टाइप कीजिए www.ugc.ac.in। जैसे ही वेबसाइट आप खोलेंगे, वेबसाइट में पांचवें टैब पर आप देखिए यूनिवर्सिटीज लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटीज पर आप जाएंगे तो डालिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो पहले नंबर पे था। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर जाने के बाद में दिल्ली पर आप क्लिक कीजिए। दिल्ली पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इसको नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिए तो दूसरे नंबर पे आएगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली में यूनिवर्सिटी है ये, और न्यू दिल्ली का कोड यहाँ पर 110068 पड़ता है। यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी डिटेल्स हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं, और जो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं एज पर द यूजीसी जो वेबसाइट है, प्रोफेसर नागेश्वर राव, ये वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, और जो रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटी के डॉक्टर वी बी नेगी, उनकी मेल आईडी भी है, फ़ोन नंबर भी है। वाइस चांसलर जो है यूनिवर्सिटी के, उनकी भी मेल आईडी भी मेंशन है, फ़ोन नंबर भी मेंशन है, तो यहाँ से काफ़ी डिटेल्स आप देख सकते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी के पास और भी कई सारी चीज़ें हैं, हालांकि मैं इस पर बहुत डिटेल में बोलूँ तो कई घंटों की वीडियो बनेगी, बट आपको इतनी बातें ज़रूर पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस में जितने भी कोर्सेज हैं यहीं से शुरू हुए हैं, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को यहीं से अप्रूवल लेना होता था जब डिस्टेंस में कोर्सेज चलाया करते थे। एक ये पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है द पीपल्स यूनिवर्सिटी, जो मैंने अभी आपको बोला 37 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। नेक के अलावा यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी है ही, AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज है, AICTE है, साथ में COL और DEC, जो मतलब कि डिस्टेंस एजुकेशन की पार्टी अब अलग हो गई है, मतलब कि DEC अब तो ये डेब हो गया है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। हालांकि इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इग्नू के बारे में अगर आप डेब की साइट पे जाकर चेक करोगे www.deb.ugc.ac.in, वहां जाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो वहां पर दिल्ली में आने के बाद में जामिया का नाम आता है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का नाम आता है। इसका नाम नहीं आएगा क्योंकि अपने आप में यूनिवर्सिटी ये 1985 में बनी, इसको डिस्टेंस में अपने आप ही इसको अप्रूवल मिला। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को ऐसे नहीं मिलेगी, बट आप भ्रमित ना हो, यूनिवर्सिटी डिस्टेंस है तो इसमें संकोच करने वाली कोई बात बिल्कुल है भी नहीं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत सारे डिस्टेंस कोर्सेज करवाती है, काफ़ी सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवाती है आप ये भी थोड़ा जान लीजिए, जैसे कि कुछ कोर्सेज का नाम मैं आपको बता देता हूँ, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ साइंसेज, स्कूल ऑफ एजुकेशन, मतलब कि बीएड आप कर सकते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन पे ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है कि हमें डिस्टेंस से ही करना है, तो स्कूल ऑफ एजुकेशन यहाँ पर मेंशन है, आप जाके उसके लिए डिटेल ले सकते हैं। साथ में ये स्कूल ऑफ कंटिन्यू एजुकेशन, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया AICTE का भी अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, स्कूल ऑफ लॉ, मतलब आप LLB कर सकते हो यहाँ से जाकर, और एग्रीकल्चर कोर्सेज जैसे BSc एग्रीकल्चर कर सकते हो, MSc एग्रीकल्चर कर सकते हो, ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया, मतलब कि ये थोड़ा अलग सा कोर्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो न्यू मीडिया स्टडीज के नाम से मेंशन है। स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, ये भी आपको अलग कोर्स मिलेगा। स्कूल ऑफ टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विस मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी कंट्री के स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, इसीलिए यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस में भी कराई जाती है जो स्टडी कराई जाती है। स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स, ये तो कुछ स्ट्रीम्स मैंने आपको बताई है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो इस यूनिवर्सिटी में आकर। ऐसी कई सारी चीजें हैं दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में जानने के लिए, बहुत सारी चीजें इग्नू के बारे में जो आपको अगर जाननी है, आप चाहते हैं कि हम उस पर डिटेल वीडियो बनाएं, हम उस पर डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। ये तो इग्नू पर हमसे काफी सारे हमारे व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने वीडियो बनाने के लिए कहा था कि सर इग्नू कहां पर हम जाके चेक करें, कौन कौन से कोर्सेज करवाती है और कौन कौन से अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी कब बनी है, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी कैसे मिला, जो मैंने सारी बातें अभी आपको बताई है वो सभी
आपने इस वीडियो में जो अभी जाना है और आप और एडिशनली क्या जानना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, अपने सवाल जरूर पूछना, किस कोर्स पर या किस दूसरी यूनिवर्सिटी पर आप वीडियो चाहते हैं, हम उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे। पर डिस्टेंस की हम अगर बात करें तो ये पहली यूनिवर्सिटी ही आप मानो जो 1985 में बनी, और यूनिवर्सिटी ने डिस्टेंस एजुकेशन मतलब कि दूरस्थ शिक्षा, घर बैठे हुए भी आप एजुकेशन ले सकते हैं, बस एग्जाम्स देने आप जाइए। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने सभी को रास्ता दिखाया। और दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो बनी है, सबसे पहली सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी जो बनी उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप जाकर हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं, उसकी डिटेल भी आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जो हमने बनाया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पर, और अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को हर तरह के एजुकेशनल अपडेट से अपडेट रख सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस जो हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।